भजन संहिता अध्याय 64। भजन संहिता अध्याय 64। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दोहाई दूं तब मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार की नाई तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि छिपकर खरे मनुष्यों को मारे। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी है। वे बुरे काम करने को हियाव बांधते हैं। वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हमको कौन देखेगा। वे कुटिलता की युक्ति से निकलते हैं और कहते हैं कि हमने पक्की युक्ति खोजकर निकाली है। एक एक का मन और हृदय अथाह है, परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा। वे अचानक घायल हो जाएंगे। वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे और सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भलीभांति समझेंगे। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा और सब सीधे मन वाले बढ़ाई करेंगे।